आपने वेब 3 देखा है? मुझे तो नहीं दिखा। ये वो सेंटेंसेस है जो इलान मस्क ने हाल ही में अपने ट्वीट में कहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि जो वेब 3.0 है, काफ़ी इनोवेशंस देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम अभी कंपेयर करेंगे वेब 2.0 और वेब 3.0 को, एंड हाल ही में जो इंडिया में जो ब्लॉकचेन डेवलपर से रिलेटेड, वेब 2 से रिलेटेड, वेब 3.0 से रिलेटेड जो न्यू रिसेंट न्यूज़ सुनने को आ रही है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये सारी बातें आप सभी के लिए जाननी बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट ऑन करते हैं वेब 2.0। वेब 2.0 जिस तरह हम कहते हैं, हमने पढ़ा था वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, अब हम देख रहे हैं। तो ये क्या है? इंटरनेट की इवोल्यूशंस है। तो उसी तरह वेब 2.0 की बात करें तो वो एक शिफ्ट है इंटरनेट में, जिस तरह हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं उसमें एक शिफ्ट है वेब 2.0 का। एंड वेब 3.0 उसके और ज़्यादा इनोवेशन है, और ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर जो हमें वेब 2.0 की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, वो कुछ फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर दिखाई दी हैं, जैसे कि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस एंड सोशल नेटवर्क्स। एंड इन डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया, एनेबल किया है कि कुछ ऐप्स की डोमिनेशन हो सके, जो ग्रेटली एक्सपैंड करती है ऑनलाइन इंटरएक्टिविटी को और यूटिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, एयरबीएनबी हो गया, फेसबुक हो गया जिसका नाम अब मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, ऊबर, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इनकी ग्रोथ होने की वजह से, जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इन डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स की वजह से, इन्होंने हेल्प किया है कि कुछ मेजर वेब 2.0 सेंटरिंग कंपनीज जैसे कि एप्पल, अमेज़न, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, तो इनको वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज बनाना मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेब 2.0 में हमें इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़र बेस देखने को मिल रहा है, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन वेब 3.0 क्या? इनसे ऊपर क्या? इनसे ऊपर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 एक थर्ड वर्जन है इंटरनेट का, जो चाहता है कि जो पावर है उसको इन लार्ज टेक कंपनी से वापस ले लिया जाए। एंड ये बना हुआ है कोर कंसेप्ट्स पे, जैसे कि ये मींस चाहता है कि ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, एंड ये वर्क करता ओपन सोर्स पे एंड ग्रेटर यूज़र यूटिलिटी। तो इन चीज़ों पे फोकस करता है वेब 3.0। एंड हम देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे जो वेब 3.0 रेवोल्यूशन है, आगे आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड हम क्रेडिट देंगे उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। वेब 3.0 का यहाँ पर मेजर एम देखने को मिलता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर बनाना, जहाँ पर जो यूजर्स हैं, मशीन्स हैं, ये इंटरेक्ट हो सके डाटा के साथ, किस तरह स्मार्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह, वो भी पीयर टू पीयर मार्केट्स के थ्रू। एंड इसमें कोई भी मींस टेक जायंट्स की जरूरत नहीं है, कोई भी बिग जायंट्स की जरूरत नहीं होगी विदाउट एनी इंटरमीडियरी। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में समझ आ गया होगा, वेब 2.0 और वेब 3.0। तो बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड जो मैं कह रही थी कि रिसेंट न्यूज़ जो सुनने को आ रही है वेब 2.0, वेब 3.0 और ब्लॉकचेन डेवलपर से रिलेटेड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑफ तेलंगाना, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे इंडिया ब्लॉकचेन एक्सीलेटर प्रोग्राम, ताकि यहाँ पर ग्रोथ लाई जा सके। जो वेब 2.0 की अर्ली स्टेज है, वेब 3.0 स्टार्टअप्स हैं और जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, उनके ग्रोथ लाई जा सके। एंड एम किया है कि जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ये प्रोग्राम लॉन्च होगा, एंड यहाँ पर पार्टनरशिप किया उन्होंने यूनिकॉर्न क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर के साथ, एंड ल्यूमस लैब्स जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर्म्स हैं, तो इनके साथ पार्टनरशिप में आए हैं। एंड इन सेवेंट को प्रोग्राम को लॉन्च करा जाएगा। ये प्रोग्राम सी करता है कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन है, जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अक्रॉस मीन्स काफ़ी, अगर हम पैरामीटर्स देखें, फिनटेक, एंटरटेनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूलिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, इनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो इस सोल्यूशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सके। और बात की जाए तो जो कॉइन स्विच कुबेर के फाउंडर और CEO हैं आशीष सिंगल, उन्होंने भी कहा है कि जो बेस्ट फ्यूचर है ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं, वो रन करेंगे वेब 3.0 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि हम देख सकेंगे आगे आने वाला टाइम वेब 3.0 पे ही बेस होगा, जो ज़्यादा फोकस करेगा। एंड इंडिया की भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड और भी इनोवेशंस देखने को मिलेंगी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि एज अ पार्ट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी, हम यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि काम किया जा सके एंड तेलंगाना को ब्लॉकचेन कैपिटल ऑफ कंट्री बनाया जा सके।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेट ने यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट स्टेट्स कौन सी होती हैं जो उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकती हैं और ज़्यादा ग्रोथ में ला सकती हैं। जो वेब 3.0 है वो ये है कि वो वेब को रीडिसेंट्रलाइज्ड करे, एंड जो मेजॉरिटी ऑफ वेब 2.0 ऑपरेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो टेक जायंट्स यहाँ पर कंट्रोल करती है, जैसे कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जो वेब 3.0 है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पर जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अक्रॉस नेटवर्क्स, एंड यहाँ पर कोई भी सिंगल एंटिटी उसको ओन नहीं करेगी, कोई भी सिंगल एंटिटी इंफॉर्मेशन को ओन नहीं करेगी। तो ये एक मेजर पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम पे हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वेब 3.0 की और भी डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो वी विल कम अगेन विद अनदर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।